नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एडवोकेट प्रशांत भूषण के समर्थन में कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अदालत की अवमानना के केस में सजा दिए जाने के खिलाफ अपनी एकजुटता प्रकट करते हुए जिला न्यायालय के वकीलों ने प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता सीनियर वकील देवीलाल ने की। प्रदर्शन में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि एडवोकेट प्रशांत भूषण को दोषी करार देना संविधान की मूल भावना व उनके प्रावधानों के खिलाफ बताया। वक्ताओं ने कहा कि हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की आज़ादी प्रदान करता है। प्रशांत भूषण एडवोकेट द्वारा ट्विटर पर दिए गए कमेंट अवमानना का कारण कानूनी रूप से नहीं बन सकते। एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा कमेंट के माध्यम से उठाए गए मुद्दे पर आम जनता को हो रही परेशानी से संबंधित है और लॉकडाउन के समय सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता न होने की से संबंधित भी है, जो किसी भी तरीके से अवमानना का कारण नहीं बन सकते। वकीलों ने प्रशांत भूषण एडवोकेट के साथ अपनी एकजुटता प्रकट की। वह माननीय राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि इस मामले में दखल देकर के सही तरीके से निपटारा किया जाए। वक्ताओं ने यह भी अनुरोध किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारी व सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इस मामले में मिलकर के बैठक बुलाएं और पूरा का पूरा मामला सुलझाया जाए। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। नहीं थी, असल में काम तो हमारा लॉकडाउन की वजह से पहले ही बंद पड़ा है। ठीक है सर। आज का जो हमारा प्रदर्शन था वो सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना के केस में जो दोषी ठहराया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और इस मामले में फतेहाबाद के जो वकील हैं उन्होंने अपनी प्रशांत भूषण के समर्थन में जो है अपने एकजुटता जाहिर करने के लिए आज का प्रदर्शन किया है। तो कितने वकील थे सर टोटल? आज के प्रदर्शन में हमारे यहाँ करीब 200 वकीलों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि जो है लॉकडाउन की वजह से हमारे जो वकील हैं वो काफ़ी आ भी नहीं रहे। तो आज सर जो प्रदर्शन के दौरान जो है कोई भी काम नहीं हुआ? काम तो हमारे यहाँ पहले भी नहीं हो रहा, लॉकडाउन की वजह से अदालतें कोई काम कर ही नहीं रही हैं, बल्कि हमारी तो मांग है कि अदालतों को खोला जाए और काम शुरू किया जाए। तो जो आपने प्रदर्शन किया है सर, इसका क्या ताल्लुक है इसका? हमारे प्रदर्शन का यही है कि अवमानना का जो उनको सजा में जो दोषी ठहराया है उसमें उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की है, वो जो रिव्यू पिटीशन है उसको मंजूर किया जाए और अवमानना का जो केस है इसको रद्द किया जाए, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है। क्या नाम सर आपका? मैं देवीलाल एडवोकेट हूँ, ऑल इंडिया लॉयर यूनियन का हरियाणा स्टेट का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।